नमस्कार, मैं हूं मनीष पांडे और आप देख रहे हैं डीबी लाइव। डीबी लाइव के इस चुनावी यात्रा में आज हम मौजूद हैं धौरहरा लोकसभा, जो कि उत्तर प्रदेश में इस समय हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर लड़ाई एक मुकाबले की लड़ाई है और यहां एक विधानसभा है हर गांव, उसके अंतर्गत बुरजहा गांव है, जहां के लोगों ने पिछली बार वोट का बहिष्कार किया था और उनके कुछ क्या क्या मुद्दे हैं और चुनावी मिजाज क्या है, यहाँ के लोग चाहते क्या हैं, उसे लेकर आज हम ग्रामीण लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं और वो इस बार चाहते क्या हैं इस बार के चुनाव में। चाचा, नाम बताइए अपना। नारायण। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है आपके यहाँ? अरे फटका है, बंद है उनका है। जी हाँ। क्या वजह थी जो पिछले चुनाव में आप लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था? वार्ड को उनका दिहरान। क्या वजह क्या थी आपने बहिष्कार किया था पिछले? हाँ, बात बजाय जी वोट नहीं किया था। वोट जी 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 बताइए बताइए क्या वजह थी आप लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था? हम लोग फटका बल्कि प्रयास किया ना है जी, सुरेश राही थे ने जी, और तिके फटके के बारे में यहाँ कोई सुनवाई ना है हमारे की नहीं है जी, और हम लोगों को बहुत दिक्कत होते, चारा पानी खेती सब रेलवे के रे पूरब है। तो इस बार क्या लगता है आपको, क्या माहौल है आपके? अब इस बार अनंत भदौरिया क्या विचार है सबका वोट देने का जी, साइकिल पर हम, और साइकिल पर हम लोग पूरी मदद करीबा और फटका क्या वादा की नहीं है की रास्ता तुम खुलवाएंगे। आपके यहाँ से जो क्षेत्रीय आपकी जो सांसद हैं वर्तमान की, 10 साल से पिछले 10 साल ने कोई विकास किया आपके यहाँ? कुछ नहीं किया। रेखा वर्मा 10 साल तेने यहाँ पर कोई सकल नहीं देखा पैसे हम लोग ना कोई काम किया ना कोई काम भवा है। तो क्या लगता है इस बार जनता ने क्या मूड बनाया है? जनता ने बताया अनंत भदौरिया को जिताना है, साइकिल पर वोट सबको देना। जैसा कि यहाँ पूरा लोधी समाज मौजूद है, तो लोधी समाज की क्या राय है? नहीं, हम लोग भैया साइकिल वाले वोट दीवा और रेखा वर्मा को वोट नहीं दीवा जी। हाँ, उनका जिताना है, उनका वादा है कि हम हो जीवा तो तुम्हारा रास्ता खोल देंगे। बस यहाँ हमारा धन्यवाद सबको, हम लोग लुआद भाई सब वादा कहने अब के आनंद भदौरिया को जिताना है। एक किसान होने के नाते आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे? किसान वोट क्या, आप हमारा जो काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। तो क्या राय है आपका इस बार किसको? तो राय जो फटका खुलवाएगा उसको आनंद भदौरिया खुलवा कहा दें तो हम लोग उनको वोट देंगे। तो आनंद भदौरिया जी का मानना है कि इस बार वो फटके आपके यहाँ जो समस्या है उसका समाधान करेंगे? हाँ, समाधान करेंगे। तो वोट उन्हीं को जाएगा? हाँ, उन्हीं को जाएगा। तो एक तरह से पूरा गांव इस बार मिलकर जी, आप एक युवा होने के नाते किस तरह से वोट करेंगे सर? किस तरह से वोट करेंगे आप बताइए जी। हम सपा को वोट देना चाहते हैं, हमारे गांव का फटका अगर खुल जाए तो हम वोट देंगे, पूरी तरीके से मदद करेंगे जी। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का अगर फटका खुल गया, अगर बाई चांस नहीं भी खुला तो अंजाद है, हमारी अंजाद से ये है कि सपा सरकार के गठबंधन पूरी बहुमत से जीतेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अभी आपने देखा कि पूरा लोधी समाज इस बार मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है और समाजवादी पार्टी से यहाँ के अच्छे प्रत्याशी माने जाते हैं आनंद भदौरिया जी, उन्हें लेकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं और उनका वादा भी है कि यहाँ की समस्या का समाधान भी करेंगे। और इसी के साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।